नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है दी जनरल मर्चेंट एसोसिएशन इतवारी नागपुर के पूर्व अध्यक्ष श्री नीलेश महोदयकर जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जैसा देखा गया है कि कोविड का जो संक्रमण है ओमिक्रॉन, उसका संक्रमण काफी बढ़ रहा है लोगों में, बराबर है। तो ऐसे में चलते हुए जो व्यापारी लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनमें दहशत का माहौल है, भयभीत हो गए। तो आप किस तरह से इसे देखते हैं, किस तरह की दहशत है और आपके धंधे पे उसका किस तरह का असर होगा? दहशत तो बहुत ज्यादा है व्यापारी में, उसका असर धंधे में काफी आ चुका है। धंधा अभी बिजनेस है 40% पे आया है और काफी इसका असर देखने को मिल रहा है। बाहर गाँव के कस्टमर नहीं आ रहे और व्यापारी का व्यापार भी 40% तक हो गया है। इससे लोगों में एक दहशत है और कोरोना जो हो रहा है वो 2 साल से यही चल रहा है, व्यापारी में दहशत चल रही है। आप व्यापारी लोग काफी दहशत में देखा था कि व्यापार हो नहीं रहा है, ऊपर से आगे चल के एक वैवाहिक सीजन भी है, ट्रेडिंग सीजन भी है, बराबर। तो किस तरह के आपके जो लॉसेज जो चल रहे हैं, किस तरह से आप रिकवर करोगे? तो ये बहुत सारा लॉसेज हो रहा है, व्यापारी का दुकान का बिल है, लोगों का पगार है, छोकरों का पगार है या काम करने वाला पगार वगैरह, रिलेटिव बिल, GST है। ये व्यापारी को एक लंबी चोट आती है, जिसका बैंक का कर्ज है, बैंक की चोट पड़ती है और व्यापार में 50% से घटकर 40% आ गया है। तो इससे व्यापारी में भयभीत है कि आगे चल के क्या होगा। नीलेश जी, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जो आपका प्रतिष्ठान है, इसमें किस तरह के कोविड प्रोटोकॉल का आप लोग फॉलो करते हैं, उस बारे में बताइए। मास्क वगैरह हम लोग लगाते हैं, कस्टमर को मास्क लगा के अंदर आने देते हैं, सैनिटाइजर वगैरह वापरते हैं। फिर भी कस्टमर बहुत सारे जो आते हैं वो बोलते हैं मास्क नहीं लगाया, तो बोले क्या होता है। कई कस्टमर से बहस भी होती है, मगर किसको अपन उसके मुंह लगना, मगर हम लोग उसके लिए स्टिक करते हैं, मगर काफ़ी लोग उसको थोड़ा अवॉइड भी करते हैं। अच्छा, आगे चल के ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि प्रशासन ये ओमिक्रॉन वायरस को देखते हुए लॉकडाउन या ऑड इवन डे भी शुरू कर सकता है, तो आपके धंधे का किस तरह असर होगा? उसमें से धंधे में काफी असर होगा, मगर लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, कुछ टाइमिंग थोड़ा उसको कम करना चाहिए, मगर लॉकडाउन करने से दहशत और हो जाएगी और व्यापारी में बहुत सारी चिंता हो जाएगी, उससे व्यापार पूरा प्रभावित हो जाएगा और गवर्नमेंट का भी नुकसान है, पब्लिक का भी नुकसान है उसमें। आप लोगों के जो व्यवसाय में जो लॉसेस है, जो आप लोगों के टैक्सेस जो आप पे करते हैं सरकार को, अभी जो सरकार ने अपने जो GST की भी जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो डेट है उसको एक्सटेंशन करना चाहिए क्या? जरूर करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो है भयभीत है और व्यापार हो नहीं रहा है और व्यापारी बहुत परेशान है इसके बारे में। अभी जैसे वैवाहिक सीजन आगे चलकर आने वाले हैं, अभी से लोगों को खरीदी शुरू हो जाती है, लोग बाहर गांव से आपके स्पेशल होलसेल में माल लेने आते हैं, बराबर। तो देखा गया कि वो लोग नहीं आ रहे, तो उसका असर आपके बिजनेस पे कितना हो रहा है? उसका काफी ज्यादा असर हो गया, व्यापार बहुत अच्छा था, मगर ये जो कोरोना का जो आया है उससे काफी लोगों में एकदम भयभीत हो गया, धंधा एकदम 40% पे आ गया है, भयभीत है लोग। आपके जो एसोसिएशन के जो बाकी के जो दुकानदार है, व्यापारी भाई है, उनको आप क्या अपील करेंगे कि किस तरह का उन लोगों ने अभी अपने धंधे को रखना चाहिए? धंधा तो सब लोग खोल के बैठे हैं, मगर व्यापार कम होने से वो भाई भी था कि भाई हमने सीजन का माल बुलाया और सीजन था और बहुत अच्छा चल रहा था, मगर जो माल मंगाया उसमें अभी उनको चिंता बढ़ गई कि व्यापारी को पैसे कैसे देंगे। और इसके अलावा हमने ये भी देखा हुआ है कि जो कोरोना वायरस है उसके वजह से जो पब्लिक है, पब्लिक भी दुकान में काफी कम आ रही है, वो लोग भी सोच रहे कि अवॉइड कर रहे हैं दुकान में जाने का, उसका भी इफेक्ट हो रहा है कि आपके व्यापार काफी हो रहा है। वो जो माल अभी 25,000 का माल लेते तो 5,000 के ऊपर, जो 5,000 का है वो 1,000 रुपए पे आ गया है। अभी शासन प्रशासन ने जो उसको प्रतिबंध लाने के लिए, कोरोना के जो गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, ये लोगों की दुकानदार पे एक धड़ा कार्रवाई चलती है, उस पर बेवजह दुकानदार को घसीटते हैं, जबकि आप लोग कोरोना का फॉलो अप भी करते हैं पूरा, जो गवर्नमेंट जो गाइडलाइन देती है उसका पूरा हम फॉलो करते हैं, हमारी कोई गलती नहीं रहती, मगर फिर भी व्यापारी को तकलीफ देते प्रशासन। तो आपके महानगर पालिका प्रशासन से क्या आपकी ये मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि प्रशासन के भाई शांतिपूर्वक लोगों में एक वातावरण बनाए और उस शांतिपूर्वक उस लोगों में एक ऐसी यह हो कि उतना स्ट्रिक्ट न करे, पब्लिक को एक गाइडलाइन दे और पब्लिक समझ सके, ऐसा काम करे।
नीलेश मेदेकर जी, आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हुए, आपके जो व्यापारी गण जो है आपसे जो जुड़े हुए एसोसिएशन से, उनको आपका क्या मैसेज रहेंगे कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए? उनको यही मैसेज है, शांतिपूर्वक बिजनेस कर रहे हैं और व्यापार हो नहीं रहा है, उस कारण वो भी भयभीत है और वो चाहते हैं कि भाई इसको ज़्यादा ये नहीं करे, और गवर्नमेंट भी सिस्त रहे और पब्लिक भी सिस्त रहे।